दोस्तों जैसा कि आपको बताओगे हर साल धनतेरस दिवाली वगैरह इस तरह के त्योहारों के मौके पर कंपनियां कई तरह के ऑफर निकालती हैं। इस बार भी कार कंपनियां और मोटरसाइकिल बाइक बनाने वाली कंपनियों ने टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों पर ही ढेर सारे ऑफर निकाले हैं। अगर आप भी अपने परिवार में घर गाड़ी कार बाइक मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह कुछ भी लाने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, ये 2-3 मिनट के इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसे ऑफर के बारे में पता चल जाए और इतनी सी देर में आप 1-2 लाख रुपए की छूट का फायदा भी उठा लो। पिछले साल के मुकाबले इस बार 50% ज्यादा छूट दे रही कंपनी। 4 पॉइंट में अपन ये भी जानेंगे कि आप बेस्ट डील कैसे कर सकते हैं और बाकी अलग अलग कंपनियां जो अलग अलग ब्रांड है मारुति सुजुकी टाटा हुंडई महिंद्रा ऑफर क्या दे रही है अभी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि कंपनियां फेस्टिवल सीजन में अभी कितना डिस्काउंट दे रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए एवरेज तो अलग अलग मॉडल पर 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की छूट दे रही कंपनियां। कार मॉडल और डीलरशिप लोकेशन के आधार पर 2022-23 में छूट जो जितनी मिली थी उससे अभी ज्यादा ही मिल रही है। कुछ मॉडल पर 75% तक छूट बढ़ गई है। कंपनियां आमतौर पर फेस्टिवल सीजन में 5 तरह के डिस्काउंट ऑफर पेश करती हैं। एक्सचेंज डिस्काउंट, फेस्टिवल डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट ऑफर, एक्सेसरीज डिस्काउंट और वारंटी एक्सटेंड ऑफर, ठीक है। यहाँ देखिए आप फोर व्हीलर्स पर मिलने वाले अलग अलग ऑफर क्या है। मारुति कंपनी एक्सचेंज बोनस ऑफर दे रही है 10,000 से 20,000 का। कंज्यूमर ऑफर मिल रहा है डायरेक्ट ऑफर 20,000 से 35,000 का और कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है 4,000 का अलग से। टाटा की अगर आप कोई भी कार खरीदते हो टाटा कंपनी की तो 100% ऑन रोड फाइनेंस के ऑफर पर आपको मिल रही, यानी कि 1 रुपया भी आपको डाउन पेमेंट नहीं देना, 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी, एक्सचेंज ऑफर अलग से और कॉर्पोरेट डिस्काउंट अलग से। अच्छा, हुंडई कंपनी भी एक्सचेंज ऑफर में 10,000 रुपए का अलग से छूट देगी आपको, कॉर्पोरेट डिस्काउंट 3,000 रुपए का और कैश डिस्काउंट मिल रहा है आपको 20 से 30,000 रुपए हुंडई के सभी मॉडल्स पर। महिंद्रा सबसे शानदार ऑफर दे रही है। देखिए महिंद्रा के एक्सयूवी 300, 400 या कुछ भी आप खरीदे 500 तो दोस्तों कैश डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है 58,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का, तो डायरेक्ट छूट मिल रही है। 25,000 तक की एक्सेसरीज आप फ्री में ले सकते हैं और एक्सचेंज ऑफर महिंद्रा अलग से दे रहा है। चलिए वॉक्सवैगन की कारों में देखिए आप 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है, 4 साल रोड साइड असिस्टेंट मिल रहा है और 3 साल फ्री सर्विस का ऑफर भी मिल रहा है, ठीक है। और ऐसे ही टू व्हीलर की भी बात कर लेते हैं, बाइक मोटरसाइकिल वगैरह में हीरो कंपनी अभी एक्सचेंज बोनस अप टू 5,000 रुपए तक का दे रही है, कैश डिस्काउंट 5,500 रुपए की छूट अलग से मिल रही है। अभी आप बाइक खरीदते हो तो आपको पे करना शुरू करना है 2024 में, यानी बाय नाउ पे इन 2024 और फाइनेंस के लिए ब्याज दर ऑलमोस्ट 7% पर आपको इंटरेस्ट पर हीरो बाइक मिल रही है। होंडा ने भी काफी अच्छे ऑफर निकाले, 0 डाउन पेमेंट, नो कॉस्ट ईएमआई, फाइनेंस के लिए 7% ब्याज दर, 10% कैशबैक अप टू 5,000 रुपए तक अलग से। सुजुकी कंपनी में देखिए कैशबैक अप टू 5,000, 7,000 वाला राइडिंग जैकेट फ्री, बिना गारंटी के लोन सेक्शन होगा, 100% फाइनेंस की सुविधा मिलेगी। टीवीएस में डाउन पेमेंट आपको सिर्फ 5,500 रुपए देना और बाकी 6,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा, ठीक है। ओला कंपनी ने भी ऑफर निकाला जो इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह S1 ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह आते हैं आपको बताएं, तो इन पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलना 7,500 रुपए की सीधी छूट, 50% ऑन एक्सटेंड वारंटी, एक्सचेंज बोनस अप टू 5,000, फाइनेंस के लिए आपको ब्याज दर सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर ये ब्याज लोन दे रहा है, मतलब देखिए आप 6% मात्र 5.99%। लोन के लिए 0 प्रोसेसिंग फीस, 0 डाउन पेमेंट, 0 कॉस्ट ईएमआई। तो ओला ने भी काफी शानदार ऑफर निकाले वाकई दिवाली के मौके पर, है ना। ये इस लिस्ट में देखिए दोस्तों अक्टूबर की सेल्स रिपोर्ट, सबसे ज्यादा कारें किस कंपनी ने बेची। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा सेल्स निकाली, उसके बाद टाटा, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर में और फिर टीवीएस मोटोकॉर्प। चलिए अब ये ऑफर वगैरह तो देख लिए अपन ने, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आप अपने लिए परफेक्ट व्हीकल कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने बजट की लिमिट तय करनी है कि आपको कितनी लिमिट तक की गाड़ी खरीदनी है, जैसे 5 लाख 10 लाख तक में आपको एक लिमिट सेट करनी है, ठीक है। फिर अब जरूरत के हिसाब से आप मॉडल सेलेक्ट करें, जैसे डेली ड्राइव करना आपको, रेजिडेंशियल एरिया कैसा, या कहीं सिलेक्टेड टाइम के लिए आपको लेके जाना, ओकेजनली जैसे महीने में 2-4 बार ही कार चलेगी या महीने में 30-40 बार कार चलेगी ऐसा, फिर आप उस हिसाब से तय करोगे कि आपको पेट्रोल गाड़ी खरीदनी है इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी है। अगर आपकी गाड़ी डेली चलना है, डेली 60-70 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलनी है, तो फिर इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक कार प्रेफर करो, उसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर जरूरत पड़ती यार महीने में 2-3 बार कभी 1-8 बार ले जानी है, फिर आप पेट्रोल डीजल अपने हिसाब से बेस्ट ले सकते हैं। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि फेस्टिवल सीजन में बेस्ट डील कैसे आपको मिल सकती है। कुछ टिप देता हूं मैं आपको मेरी तरफ से, जब भी आप डीलरशिप पर जाते हो ना तो कार खरीदने में बहुत ज्यादा उत्सुकता ना दिखाएं, एक्साइटमेंट ज्यादा ना दिखाएं, क्योंकि सामने वाले को लग गया कि इसको बहुत ज्यादा ही कुचर चली हुई है कार खरीदने की, खुजली हो रही है अगर कार खरीदने की बहुत ज्यादा ही, तो फिर वो आपको ऑफर वगैरह इतने बेस्ट नहीं दे पाएगा। अगर आप नॉर्मल रहेंगे, सेल्स पर्सन से बेहतर प्राइस लेने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे ऑफर और अच्छी प्राइस भी मिल जाएगी। ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने पर सेल्स पर्सन ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश करता है, ये एक साइकोलॉजी की बात है। तो आप जितना कम इंटरेस्ट दिखाएंगे ना आपको उतने ही बेहतर ऑफर मिलेंगे ऐसा। कई बार डीलर्स के पास रूरल और अर्बन कस्टमर्स के लिए अलग अलग ऑफर्स होते हैं, तो आप अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से ये भी पूछें रूरल यानी कि ग्रामीण और शहरी एरिया के लिए अलग अलग ऑफर क्या है, जो भी बताएं आपको ऐसा। फिर आप अलग अलग डीलरशिप पर जाकर भी कोटेशन जरूर लें, इससे प्राइस कंपेयर करना आसान हो जाएगा, जो डीलर आपको सबसे बेहतर
बेहतर ऑफर या बेहतर अच्छी डील दे रहा, उसी से गाड़ी खरीदना समझदारी है। गाड़ी खरीदते समय आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। क्या आप जिस भी शोरूम में गाड़ी देखने जा रहे हो उसके बारे में सेल्समैन से पूरी जानकारी लें, उसके फीचर्स, इंजन, उसके प्रोज कॉन्स सबके बारे में पूछें। अगर नई कार खरीदने के लिए आपको लोन की जरूरत है तो अलग अलग बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी जान लें। कार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, इसे देखने के लिए कार का प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जरूर करें। गाड़ी खरीदने के बाद जब हम बिल देखते हैं ना तो कुछ हिडन चार्जेस भी दिख जाते हैं। क्लियर करें कि कोई हिडन चार्जेस आप पे तो नहीं कर रहे हो। क्लियरली पूछ ले तो वो बताएंगे बिल्कुल कि ये चार्ज इसका ऐसा, ठीक है। और दीपावली धनतेरस पर अगर ऐसा कोई जरूरत नहीं है तो आप साल के अंत में जो न्यू ईयर ऑफर आते हैं दिसंबर में, नवंबर दिसंबर के समय अच्छे खासे ऑफर निकालती है कंपनियां, उस समय भी आप ले सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर कंपनियां अपने स्टॉक आउट क्लियर करने के चक्कर में न्यू ईयर पर भी सेल आती है अच्छी खासी। और बाकी दीपावली पर अगर आपके जचरी मन में तो दिवाली ऑफर में फायदा ले लिया, ठीक है। और भी आपके मन में कोई सवाल है कार बाइक ऑफर से संबंधित तो कमेंट करके पूछेगा मुझे, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।